हे गाइस, तो लेट्स टॉक क्रिकेट पे आज हम बात करने वाले चौथे टेस्ट मैच के पहले, जो कि हो रहा है 2 से 6 सितंबर के बीच में कैनिंगटन ओवल लंदन में। और आप लोग को पता ही है कि लास्ट टेस्ट में इंडिया की काफ़ी करारी हार हुई है, तो हम ये टेस्ट मैच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया अच्छा बाउंस बैक करे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे। जी हाँ, काफ़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस रहा था इंग्लैंड क्रिकेट टीम का और बड़ी शिकस्त का सामना करा है इंडियन टीम ने, और इंडियन टीम को बाउंस बैक करना ही पड़ेगा। और लास्ट मैच में ऐसा ही लगा कि इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है क्रिकेट को, पूरा ही डोमिनेट किया है। एक इनिंग और 78 रन की हार बहुत बड़ी हार होती है, और इसलिए इंडियन टीम को थोड़ा हौसला बढ़ाना होगा और ये मैच में काफ़ी अच्छे पॉजिटिव मेंटेलिटी से आना होगा। हाँ, और माइंडसेट सारे प्लेयर्स को बहुत ही हाई रखना पड़ेगा और पॉजिटिव रखना पड़ेगा। जी, तो चलिए हम बात करेंगे चौथे टेस्ट मैच के बारे में कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो वेदर रिपोर्ट ये कहता है कि 5 दिन में से एक दिन में बारिश है, जो कि चौथे दिन पे है, और 80% बारिश के चांसेस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो 4 दिन का गेम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो। और जो हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में, तो पिच है वो काफ़ी फ्लैट है। सुनील गावस्कर के मानना यह है कि पूरे इंग्लैंड में सबसे बैटिंग फ्लैटेस्ट बैटिंग विकेट जो है वो ये ग्राउंड का है, कैनिंगटन ओवल का। और ये ग्राउंड पे फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग के एवरेज टोटल में इतना फर्क नहीं है। जी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों में इतना फर्क नहीं है। फर्स्ट इनिंग में 316 है और सेकेंड और थर्ड दोनों में 305 रन है। मतलब ये हमको मानना पड़ेगा कि ये वाला ग्राउंड है, इसमें चौथी बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि और उसमें एवरेज काफी 156 रन का ही है। जी, और हो सके उतना अवॉइड करे कि फोर्थ इनिंग में बैटिंग ना आए। तो जो भी टीम सेकेंड इनिंग बैटिंग करेगा तो वो ऐसा ही सोचेगा कि बहुत लंबा टोटल बना है। जी, सही सोच रहेगी, क्योंकि चौथी बैटिंग करनी नहीं पड़ेगी। दूसरा के चौथी इनिंग में अगर बैटिंग आई तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए जिसकी जो भी टीम पहली बैटिंग करती है उसको भी यही करना होगा कि उसकी भी तीसरे इनिंग में काफी कम बैटिंग आए, ताकि चौथे इनिंग में वापस सामने वाली टीम पे को प्रेशर में डाल सके। और इसमें बॉलर्स का काफी क्रूशियल रोल रहेगा, जैसे आपने कहा कि विकेट थोड़ा फ्लैट रहेगा। जी, और इसलिए काफी पकड़ के गेंदबाजी करनी होगी, ज्यादा लूज बॉल्स नहीं डाल सकते क्योंकि इसमें रन्स पड़ेंगे। ये वाला विकेट नहीं है जहाँ पे हम पूरे मैच में 90 ओवर में 180 रन बनेंगे। यहाँ पे अगर 90 ओवर डालोगे तो 250-300 रन के आसपास बन सकते हैं। और अगर खराब बॉल डालोगे तो आपको पनिश भी वैसा किया जाएगा। जी बिल्कुल, और इसमें बैट्समैन को भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इंडियन बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन को, कि वो अच्छा क्रिकेट खेले। जी, और परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि वापस से जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात की थी कि लोकेश और रोहित पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, और अगर वो नहीं चले तो हमारा इंडियन बैटिंग ऑर्डर का क्या हाल होगा। तो वो हमने लास्ट वाले मैच में देखा कि जैसे अगर वो जल्दी आउट होते तो हमारा बैटिंग ऑर्डर जो मिडिल ऑर्डर है वो एक्सपोज हो जा रहा है। तो दूसरे इनिंग में फिर भी अच्छा बैटिंग किया था इंडियन बैट्समैन के मिडिल ऑर्डर ने, पुजारा, कोहली, पर वापस से जिम्मेदारी लेनी होगी ये मैच में, और उनको मैच विनिंग इनिंग्स खेलना पड़ेगा। जी, लंबा बैटिंग करना होगा, सिर्फ 50 से काम नहीं बनने वाला है। और अभी हम बात कर लेते हैं कि 11 में कौन खेलेंगे। जी, तो एक्सपेक्टेड 11 जो हम पहले इंडिया की बात करेंगे, तो कोई चेंज वैसे तो नज़र नहीं आ रहा है, पर जो हमारे हमको जो लगता है वो ये है कि ईशांत शर्मा की जगह पे रवि अश्विन को मौका दिया जाए। बिल्कुल, तो एक तो फ्लैट विकेट है इसलिए रवि अश्विन उस पर ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं, और दूसरा ईशांत शर्मा थोड़े कमजोर लग रहे थे तीसरे टेस्ट मैच में, थोड़ा वेवर्ड बॉलिंग भी डाल रहे थे। जी, हर इतना अच्छा जगह पकड़ के बॉलिंग नहीं डाल रहे थे, और रवि अश्विन ये विकेट्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि वो उनको आदत है, बहुत टाइम से अभी इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे, तो वो यूज टू हो गए होंगे और उनको वो सीखे होंगे कि कैसे आउट करना ये विकेट। और इसमें शार्दुल को भी स्थान मिल सकता है इंडियन टीम में, क्योंकि वो भी फ्रेश तेज गेंदबाज है। जी, शार्दुल को भी, हाँ, मतलब अगर ये ऐसी बात है कि अगर आप ईशांत शर्मा की जगह पे दो चेंज हो सकते हैं, या तो अगर आपको पेस फॉरवर्ड लाना है तो आप शार्दुल ठाकुर को ला सकते हैं, और या तो अगर आपको स्पिनर चाहिए तो रवि अश्विन है। बिल्कुल सही बात। और जो रविंद्र जडेजा की बात कर लेते हैं, वो उनको जो स्कैन्स के लिए भेजा गया था तीसरे टेस्ट मैच के बाद में, वो उनके क्लियर हो चुके हैं और इज नाउ फिट टू बी बैक इन द फोर्थ टेस्ट मैच, और वो काफी क्रूशियल प्लेयर है इंडिया के लिए। जी, तो ये अच्छी न्यूज है इंडियन क्रिकेट टीम के। जी, जो लोकेश और रोहित के बाद जो बैटिंग में रन कर रहे हैं वो एक हमारे रविंद्र जडेजा ही है, जो नीचे ऑर्डर में आके भी 30-40 रन करते हो रहे हैं। और क्रिस वोक्स की वापसी हुई है इंग्लैंड स्क्वाड में, बहुत ज्यादा मोरल बूस्टिंग बात है ये इंग्लैंड की टीम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्रिस वोक्स उनके लिए। वो एज अ कंप्लीट ऑलराउंड क्रिकेटर बोलते हैं वैसे प्लेयर है। जी, बॉलिंग भी बेहतरीन करते हैं, बैटिंग भी उनको जो आप लोअर मिडिल ऑर्डर बोल सकते हैं 7 या 8 नंबर पे,
वो बहुत काफी अच्छे बैटिंग भी वहाँ पे कर लेते हैं, तो इंग्लैंड के लिए काफी ही ये प्लस पॉइंट रहेगा क्रिस वोक्स की वापसी जी, और काफी वो लोग खुश होंगे। और बाकी जॉस बटलर ये मैच नहीं खेल रहे हैं, उनका एक दूसरा बेबी होने वाला है तो इसलिए वो फैमिली ब्रेक पे जी, फैमिली ब्रेक पे। और दूसरा सैम बिलिंग्स को ऐड किया गया है उनके कवर में, और साकिब महमूद को बाहर किया गया स्क्वाड से, और क्रिस वोक्स उनकी जगह पे अंदर आया है। आपको क्या लगता है सैम करन को 11 में स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्लेइंग 11 में? जी, सैम करन को 3 टेस्ट मैच में चांस दिया है और तीनों टेस्ट मैच में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। आप देखिए कि पिछले मैच में भी उन्होंने सिर्फ 2 विकेट चटकाए थे, बिल्कुल, और सिर्फ 15 रन किए थे, जहाँ पे इंग्लैंड ने पूरे सारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की थी, विकेट भी अच्छा था उनके लिए बॉलिंग के लिए, ओवरटन थे, रॉबिन्सन थे, एंडरसन थे, सब ने काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग किया था, पर सैम करन ने इतना खास नहीं किया था, तो उनकी जगह पे भी शायद आ सकते हैं क्रिस वोक्स। और मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड टीम ओवरटन को बैक करेगी क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया लास्ट। हाँ, ओवरटन को अब बाहर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस था उनका और काफ़ी बड़े विकेट लिए थे लास्ट मैच में उन्होंने, और क्रूशियल टाइम पे उन्होंने विकेट्स निकाली थी। और बाकी हम देख सकते हैं कि शायद जॉस बटलर की जगह पे जॉनी बेस्टो भी कीपिंग कर सकते हैं, या फिर सैम बिलिंग्स या ओली पोप, दो में से किसी एक को स्थान मिल सकता। हाँ, बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही सक्सेसफुल बैटिंग ऑर्डर रहा था उनका लास्ट मैच में, हसीब अमीद, रॉरी बर्न्स, डेविड मलान। डेविड मलान से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे ये मैच में? डेविड मलान ने काफ़ी इम्प्रेस किया था लास्ट टेस्ट मैच में, और वापस ये भी विकेट काफ़ी फ्लैटी है तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा वापस से उनकी स्थान बनाने का इंग्लैंड टीम में, कि वो वापस ड्रॉप ना हो। और वो एक इनिंग से उनको अच्छा बूस्ट मिला, अच्छे कॉन्फिडेंस में और अच्छे जोन में भी लग रहे हो जी। और बाकी जो रूट है तो वो तो एक हमको पता ही है, एक अलग जोन में बैटिंग कर रहे हैं एंड उनका विकेट बहुत बड़ा रहेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर रवि अश्विन को ये मैच में मौका देते हैं तो वो शायद से जो रूट के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो गाइज ये था हमारा चौथे टेस्ट मैच का प्रीव्यू, तो अब हम मिलेंगे आपको ये मैच के बाद रिव्यू लेके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।